शाओमी जिसको लोग MI के नाम से भी जानते हैं, ये हमेशा नए नए प्रोडक्ट हमारे लिए लाती रहती है। और इसी बार शाओमी ने लॉन्च किया अपने एक और इलेक्ट्रॉनिक बाइक। मेरा नाम है अंकित, आज हम बात करने वाले इसी बाइक के बारे में और क्या है इसकी प्राइस, क्या है इसके फीचर्स और क्या क्या इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बात करें इस बाइक के नाम की, इस बाइक का नाम है Humo T1। लास्ट में शाओमी ने एक और बाइक लॉन्च कर रखी है जिसका नाम है Humo V1, उसी का सक्सेसर इसको बोल सकते हैं जिसका नाम है Humo T1। तो पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन बिल्कुल लगता है बिल्कुल स्कूटर की तरह और इसमें आपको एक हाईलाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। ये बाइक प्लस बाइक साइकिल भी है, यानी कि इसमें आपको एक पैडल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको अगर आपका या फिर बैटरी ख़त्म होगी क्या किसी भी कारण से अगर आपकी बाइक नहीं चल पा रही तो उसको आप पैडल से भी चला सकते हो। हालांकि जो इसके टायर हैं उनका डिज़ाइन बिल्कुल स्कूटर की तरह है और कुछ इसकी बॉडी भी स्कूटर की तरह ही लगती है, जिससे देखने में हमें स्कूटर की तरह लगती है बट ये स्कूटर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस की, यानी कि कितनी चार्ज में कितना चल सकती है, तो ये सब डिपेंड करता है इसकी बैटरी पे। अगर बात करें बैटरी की, बैटरी शाओमी ने इसमें दी गई है 1400 mAh की बैटरी, और शाओमी ने दावा किया है एक बार चार्जिंग पे ये 120 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है। दोस्तों ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी, जो इसका व्हील साइज़ है यानी कि इसके पहियों का साइज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 12 इंच है, तो इसको एक स्कूटर का लुक देने में बहुत मदद करती है। क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, इसलिए इसमें मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर का देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें इसकी चार्जिंग टाइम की, तो शाओमी ने बताया इसमें आपको 6 से 6.5 घंटे तक इसको चार्ज करना पड़ेगा और 120 किलोमीटर तक अब इसको आराम से चला सकते हो। अगर बात करें इसके मैक्सिमम लोड की, यानी कि लोड कितना उठा सकता है, इसमें शाओमी ने बताया है कि इसमें लोड कम से कम 100 किलो तक आप इसमें आराम से लोड रख सकते हो। और बात करें इस पूरी बाइक की वेट की, इसमें आपको 53 किलोग्राम इसमें आपको वेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आप जानना चाहते होंगे इस बाइक की प्राइस, तो दोस्तों इस बाइक की प्राइस मैक्सिमम है 30,000 रुपये तक। बाकी इसको आप इंडिया में परचेस नहीं कर सकते, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो चाइना की ऑनलाइन मार्केट से आप परचेस कर सकते हो, जैसे कि Alibaba.com और भी बहुत सारी वेबसाइट से। छोटा सा रिव्यू अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोज़ रोज़ देता रहूँ। मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे ही प्रोडक्ट्स का रिव्यू जानना चाहते हैं इस चैनल पे? अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। तो तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।